हमारा बदला लेने का दिन वो भी डेविन मेसन से। आज की वीडियो में हम डेविन मेसन को मानने तो नहीं वाले, लेकिन हमारे बदले की शुरुआत होने वाली। तो भाई जैसा कि पता हो कि फ्रैंकी ने डीएशिप के बाद फ्रैंकी टोटली बन चुका था एक बहुत बड़ा माफिया। अभी माफिया नहीं बना, अभी वो है एक छोटा सा गैंगस्टर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक ज्वेलरी स्टोर में रॉबरी, वो भी फुल प्लानिंग, फुल टीम और फुल खतरनाक वेपन्स के साथ। तो भाई आप भी करें हमें ज्वाइन। तो ये सब चीजें आपको दिखाएगा कौन? मैं दोस्तों आजो आजो हाइस में। तो भाई अभी यहाँ पे माइकल और लेस्टर ने हमारे तीन क्रू हैं, जिनको आपको याद होगा कि मैंने माइकल से इन लोगों को भाई हायर किया था, माइकल और उसने लेस्टर ने। तो भाई इनको ना भाई फिर हमें यहाँ पे समझा दिया। अभी मैं फ्रैंकलिन में सोच जो हो गया, यहाँ पे फ्रैंकलिन पे हमें यहाँ पे सोच किया। माइकल जो अभी बाहर गाड़ी में वेट कर रहा है हम सबका। तो ये हमारा पे करेक्टर जिसका नाम बस जो एक एयर ड्राइवर है, एक गनर है और एक जो है जो आप देख रहे हैं लड़की, ये हैकर। तो भाई आज हम एक बहुत बड़े चीज आपके बहुत बड़ी दुकान में चोरी करने वाले हैं, वो भी कोई आम स्नैक्स की दुकान नहीं, ज्वेलरी स्टोर पूरा, जिसमें हमारा पैसा तो बहुत मिलने वाला है, लेकिन काम खतरनाक इतना ही है जितना हमें उसका पैसा मिलने वाला है। भाई अगर मर गए तो फिर मर गए, लेकिन अगर हम बच गए तो भाई बहुत हम माला माँ हो जाएंगे, आगे की जिंदगी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो भाई अभी यहाँ पे बाहर आ चुका, हमारे पास यहाँ पे इस हायर शो करने के लिए एक वैन और एक ट्रक है, जिसमें वैन में जो हमारे सारे जो सारे जो है बंदे वो सब बैठेंगे, एक के अलावा एक जो बंदा है वो हमारा ट्रक लेके जाएगा। अभी जा रहा होगा पता नहीं, बैठ गया ट्रक में, स्टार्ट हो गया और ट्रक का। चलो भाई ले जाओ, इसके पीछे पीछे हम यहाँ से निकलते हैं कि हम ना इसके दूसरा रास्ता लेंगे, क्योंकि भाई अगर पुलिस को शक हो सकता है हमें खाद ना के अगर यहाँ पे बैठे हो पुलिस, तो भाई काफी ज्यादा मसला हो सकता है और ऐसा भी सकता है कि हमारी हाइस्ट फेल हो जाए और पुलिस पकड़ के हमें जेल में बंद कर दे। तो ये बिल्कुल नहीं हम चाहते, तो भाई हमें सेफ साइड में रहकर हमें रास्ता चेंज कर देना चाहिए। अभी अंदर यहाँ पे बैठे हुए ग्लव्स व्लव्स पहन के अभी भाई मास्क वास्क भी फुल लगा लेंगे, या साइड में माइकल यहाँ पे बैठा हुआ अपने लेक्चर यहाँ पे हमें दे रहा है कि भाई कैसे कैसे हमने चोरी यहाँ पे करनी है, यहाँ पे कैसे हमने किन बंदों को मारना है, कैसे बेहोश करना है, किस तरह से चोरी करनी है, सब हमें यहाँ पे माइकल बताएगा, क्योंकि भाई माइकल को एक्सपीरियंस है, माइकल को 20 साल का तजुर्बा है। भाई माइकल ने पहले से एक वो था माफिया, तो उसको ना भाई इसने बहुत सारे ऐसे चोरियां पे की हुई है। तो ये गार्ड यहाँ पे करने वाला ये माइकल। अभी मैं फिलहाल ने भी एक वैन को चला, मैं फ्रैंकलिन जो यहाँ पे वैन को यहाँ पे चला रहा हूँ और बाकी हमारे दो क्रू मेंबर जो यहाँ पे पीछे बैठे हुए, इनको भी भाई हम जैसे हमने जो वो है ना वो रॉबरी में थोड़ा पैसा इनको भी हम देंगे, सब को जो है ना पैसा वो होगा डिवाइड होगा, लेकिन भाई 50% जो पैसा वो उसको मिलेगा, उसको मिलेगा लेस्टर को, उसको 20% मुझे और फ्रैंकलिन को, बाकी इन लोगों को वो इन लोगों में डिवाइड कर दें। तो भाई यहाँ पे आगे वही शॉप जो हमें आने वाली है, अभी ये रोड जब खत्म होने उसके बाद फौरन से जैसा कि आपको मैंने भी वो दिखाई थी हमने उसकी वो भी तस्वीरें वगैरह भी यहाँ पे खींची थी, और उसके बाद हमने फुल यहाँ पे उसके बाद घर आके हमने वहाँ पे फुल प्लानिंग वेनिंग की थी। तो भाई अभी भाई हमारी जो है शॉप है वो उसी मॉल के बिल्कुल बैक साइड पे, तो लेकिन ये जगह ना काफी मतलब डाउन टाउन तो है, ये फुल मेन एरिया है यहाँ पे लॉस सैंटोस का, लेकिन यहाँ पे मतलब इतने लोग वोग नहीं होते, लोग मतलब इतने लोग कैसे आप सोच रहे होंगे, इतने सारी गाड़ियाँ हैं, लोग तो फिर होंगे, मतलब लोगों से है कि ना ये दुकान बहुत अंदर है, कुछ मतलब मेन रोड पे नहीं है, तो इससे हमें चोरी करना ज्यादा आसान होगा, तो इसलिए हमने ये वाली दुकान ना हमें चूज करी है। आगे पुलिस स्टेशन आ गए यार, लेके चले हम इससे पुलिस वालों को, क्या क्या ही पता चलेगा, ले जाता हूँ यार। और सामने ये पुलिस स्टेशन, उसके पीछे बिल्कुल बैक साइड पे दुकान है, और भाई निकलना पड़ेगा, लेकिन यार एक मसला हो गया अभी फिलहाल, तो ये पुलिस स्टेशन जो है ना ये बिल्कुल करीब है, पूरी सारी गाड़ियाँ यहीं से आएंगी हमारे पर, बिल्कुल सामने दुकान है भाई, ये थोड़ा ना मसला हो गया, ये शायद हमने देखा नहीं उस वक्त, देख रहे थे तो हमें दुकान को नहीं चूसते, लेकिन भाई अभी हमें चूस भी कर लिया, अब तो हमें साइज स्टार्ट भी हो गई, तो हमें यहाँ पे करनी ही पड़ेगी साइज को।
यहाँ पे ये आ गई मेरे वो बॉयफ्रेंड ने आराम से भाई ये तो यही मरवा देगा फुल भाई अभी फुल हमें हेलमेट वेलमेट यहाँ पे लगा लिए चोरी करने का फुल इरादा है भाई यहाँ पे ओल राइफल और बाबा फुल जोश में पूरे भाई कोट पैंट पहन लिया ओ हमला बोल दिया भाई फायरिंग हवाई फायरिंग भाई मैगल की शुरू हो गई अभी चोरों लूटो 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 गार्ड्स के पहले एक काम करते हैं इनको पहले सेंटर करने का बोलते हैं सब नीचे बैठे भाई आराम सब सोनेंगे सब सारा वैसे लेंगे भी जरूर ओ भाई ये तो बड़ा सही है यार फ्रैंकलिन को शायद हमने कहीं भेजा हुआ है बाहर कोई वो करते हैं उसको भी हम माइकल ने कुछ बाइक स्पेस कर लाने के कुछ कहा है कोई देखते कौन सी बाइक उठा के लाने वाला है फौरन से भाई अभी यहाँ पे फिर हमें सारे ये जो है ना शो के तोड़ तोड़ कर यहाँ पे ना वो लेनी है जो अंगूठियाँ होती हैं नेकलेस वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं हम सबको यहाँ पे लेना उसके बाद हम उसको बेचेंगे उससे भाई बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे हम कमा लेंगे अब वो बेचने बाचने का काम ना सारा लस्को है लेस्टर का वो कैसे हमें वो ब्लैक मनी के साथ से बेच ठीक हो रहा ठीक है मालकिन है चलो बेटा निकल यहाँ से सबको भाई जितने भी शान पट्टे रहे जो उठा वो गया फिर हमें ओ भाई अभी तो हमें 4 करोड़ डॉलर भाई साहब बहुत हो गया भाई पैसा बहुत है एक मिनट काम करो कौन सा रह गया एक रह गया कोई ये रह रहा सब सब एक चीज भी छोड़नी हमने कहा था इन पेंटिंग को बिठा लिया थे तो भाग 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 फुल पुलिस आने वाली ये क्या इसको तो पता ही नहीं है कुछ अबे अंदर सारा काम तमाम हो गया इसको कुछ नहीं पता अंदर इनकी बारात चढ़ गई और उसको कुछ भी नहीं पता ये बाहर बैठा हुआ कुछ फ्रेंडिन को पता नहीं क्या बोल रहा था अबे भाई फुल ये क्या हुआ यार तो बाइक रेस लग रही है जिसको डरता वही हुआ पुलिस आ गई यार वो भाई फुल भागनी पड़ेगी बाइक को भाई फुल बंदे वो सीधे सीधे रास्ते से हमें निकालने पड़ी वो फायरिंग कर रहे सीधा शॉट सर सर पर निशान लेने छुपा छुपा मैंने हेलमेट पहना हुआ है तो अभी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा क्योंकि भाई हेलमेट भी कुछ तगड़ा वाला हेलमेट यहाँ हमने पहना हुआ है वो भाई वो नहीं पूरे सामने 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 वो भैया कैसे वो कम से भाई ऐसा ना यही मरिए ये गया फिर क्या के इसके अंदर अंदर ये कोई लेफ्ट हैंड कोई जगह खुदवाई थी शायद नहीं नहीं ये एक है क्या चीज अबे ये तो गटर लाइन है आए हाय शुक्र इसमें पानी नहीं है वरना तो भाई हम हमारा काम ना हो गया था यहाँ पे सारे पैसे भी गीले हुए थे जो बैग्स देख पा रहे हैं जो बाइक वाले के पास है जो बैग्स हैं ये फुली भाई झूली वगैरह से यहाँ पे मारा मार रहे बैग्स ये भी क्या होगी ये क्या है अच्छा ये अंडर पस अबे एस्केलेटर में कहाँ चढ़ा रही भाई यहाँ पे वर्कर्स भी नहीं है कुछ मसला तो नहीं यहाँ पे कर देंगे कोई नंबर प्लेट वंबर प्लेट नोट कर ले इनके पास नंबर प्लेट है ही नहीं यार अबे यार पानी आ रहा है गटर का ब्राउन ब्राउन गंदा गंदा ऊपर से भी टप टप वगैरह अरे होए ओए तो रहा पानी अरे भाई क्या भाई हाइस करने के चक्कर में सारे कपड़े वपड़े सब बर्बाद ओए ले अभी बाहर निकलो भाई इस गटर लाइन से तो अब तो भाई फुल शान वो होगा मामला होगा क्योंकि भाई बाहर अब काफ़ी धूप हो चुके तो उतना मुझे लगता नहीं कि भाई पुलिस यहाँ पे होने वाली है अब पुलिस का भी गेम यहाँ पे होने वाला है पुलिस तो भाई इतनी पागल है यहाँ की ढूंढ ही नहीं पाएगी छोड़ भी चुकी होगी अब तो हमारा पीछे भेजा उनको तो पता ही नहीं होगा उनकी गाड़ियाँ तो नहीं इस टाइम में उनकी गाड़ियाँ नहीं आ सकती बाइक आ सकती है तो उनके पास इतनी खतरनाक बाइक्स भी नहीं है हमारे पास तो देखो कितने खतरनाक बाइक है 70 यहाँ पे लेके चलते हैं ऊपर की तरफ पर और भाई अभी खत्म ही नहीं अभी भाई कितने बड़े केवे अब तो पुलिस वाला हमें पीछे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे भाई भाग भाई अबे भाई ये क्या है तो फुल लगा बंदे लगा इनको पता होगा कि हम कहाँ से निकलने वाले हैं भाई पुलिस वाले भी तेज हो रहे हैं चला हो रहे हैं जो उसको मारो मारो उसको गाड़ी का पानी में फेंकोगी पूरी गटर लाइन है पूरी वो तो वो ना था नाला पूरा वो वहाँ से बाहर आए हम तो भाई हटो हटो सामने से अब इनकी गई गाड़ियाँ खोलनी पड़ेंगी अब बस ये गई तो इंजन सीन होगा तो धुआं आ रहा है गाड़ी में से सामने में अब तीनों बाइक अब सेम है भी वो ट्रक्स में इसलिए का ये ले बेटा अब तू सेफ नहीं है अब दूसरी कार दूसरी कार और कुछ भी नहीं शुक्र है भाई बजी का अब कोई आया था नहीं यहाँ से अबे आ गया यार जेल अब बोल बच्चू अब फ्रेंड की बाइक से धुआं बहुत तेज से आ रहा है फ्रेंड को अपने ट्रक पे बिठा रहे थे अब क्या करना भाई प्लान आप क्या आया प्लान हमारा देखते भी आए क्या करने वाले हैं भाई मैं तो आगे वाले पॉइंट में अभी बुलाया गया है
फुल ट्रक को मैंने कहा चढ़ा दिया आसमानों में। यहाँ पे आ चुके हैं, पॉइंट है विंटेज पॉइंट है ये, अब चढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है, दरवाजा खोल दिया। आ भाई साहब क्या प्लानिंग करी है यार लेस्टर ने, लेस्टर को तो इनाम मिलना चाहिए, वन लेस्टर को इनाम में 2,000 मिलेगी। तो भाई गोल्ड को लॉकअप यहाँ पे हम आ चुके हैं, लेस्टर ने कोई लॉकअप वगैरह लिया होगा वहाँ पे शायद, इसको खड़ा करना है इसको ट्रक को। तो भाई फुल पैसा वैसा ऐसा बाहर से देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि भाई पूरा चोरी हो रहा है वो ट्रक है, बाहर से बिल्कुल सिंपल। किस किस कंपनी का ट्रक है ये, पॉप स्टार ने क्या ही पॉप स्टार है क्या लिखा हुआ, पॉप पिल्स ये आपको पुलिस को आने ही चाहिए यार, अब मसला हो जाएगा, पैसे भी हैं इस ट्रक में। ट्रक की बात तो सही लग रही, अगर से इसका मुंह पूरा जल चुका है, हर बार सामने है तो अड़िया ये भाई कहाँ ले आया इसे, ये अंदर बुलाया है ये खड़ा और अंदर 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 ले अंदर ले अंदर ले। ओ बाबा आज अबे आज तो पास हो गई, अरे वाह सब बच गया भाई, एक बंदे को भी हमारे यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ, ना जानी और ना मारी नुकसान हुआ, और ऊपर से मेरी हाइस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई ऐसी खतर ना ऐसी अच्छी वीडियो करिए, अगर आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो गेंग में चाहता हूँ कि बचाओ हुआ बस बात नहीं मौत चाह सको। आपसे मिलने अगली वीडियो में एंटरटेनमेंट एडवेंचर के साथ, तो के लिए बाय।